बहुत सारे घाट अभी आज के डेट में खतरनाक हैं, लेकिन पानी घटने के साथ स्थितियां बदलेंगी और जो फाइनली खतरनाक घाट होंगे हम लोग 25 तारीख को या 26 को डिसाइड करके उसको प्रतिबंधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी रखेंगे। फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन सभी घाटों पर, वॉच टावर पर्याप्त संख्या में बनाए जा रहे हैं और इसके बाद CCTV कैमरा भी हम लोग सभी घाटों पर लगा रहे हैं। CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग करेंगे तो, और हमारा नदी गश्ती जो है उसमें भी फोर्स मजिस्ट्रेट बोट के माध्यम से SDRF के साथ रहेंगे, वो लोग भी देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इस पर चुनौती है वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट। डेडिकेटेड ट्रैफिक और पार्किंग प्लेसेस हम लोग दे रहे हैं और मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि जो छठवर्तियों का जो पैदल रास्ता है वो सभी जहाँ जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट अतिक्रमण है उसको हम लोग 3 दिनों में हटवा देंगे। अगर 1 से 1.5 मीटर कम होने की संभावना है, जो हाईएस्ट लेवल अभी बढ़ा हुआ था उससे अभी 1 मीटर 15 सेंटीमीटर कम हुआ है पानी, और उसको देखते हुए हम लोग अप्रोच रोड पर काम शुरू कर दिए हैं और दीघा से लेकर अभी हम लोग 83 का जो है अप्रोच रोड लगभग क्लियर है। बस 93 में हम लोग देख रहे हैं घाट में कि अंडरपास में पानी है और घाट पर अभी भी पानी है, लेकिन लगभग 1.25 मीटर और कम होगा तो हम लोगों को घाट भी मिल जाएगा और अभी 1 सप्ताह लगभग समय है तो हम लोगों का प्रयास है कि इसको जैसे जैसे निकलता जाए हम लोग इसको रिकवर करते जाएं। कई घाट जो हैं वो खतरनाक भी घोषित किए गए हैं, वहाँ पर कैसे कैसे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? बहुत सारे घाट अभी आज के डेट में खतरनाक हैं, लेकिन पानी घटने के साथ स्थितियाँ बदलेंगी और जो फाइनली खतरनाक घाट होंगे हम लोग 25 तारीख को या 26 को डिसाइड करके उसको प्रतिबंधित करेंगे और वहाँ नहीं आने देंगे और उसका अप्रोच रोड भी प्रतिबंधित करेंगे हम लोग अशोक राजपथ से जो जुड़ा हुआ है। और अगर सुरक्षा को लेकर के कहें तो जो सुविधाएं अगर छठव्रतियों को मिल सके, हाँ, इसको लेकर क्या क्या देंगे? ये हम लोग सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी रखेंगे। फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन सभी घाटों पर, वॉच टावर पर्याप्त संख्या में बनाए जा रहे हैं और इसके बाद CCTV कैमरा भी हम लोग सभी घाटों पर लगा रहे हैं। CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग करेंगे। हमारा कंट्रोल रूम भी बन रहा है। पार्किंग के लिए हम लोग अलग व्यवस्था कर रहे हैं, जगह चिन्हित कर रहे हैं उसे पार्किंग के लिए रहेगा तो, और हमारा नदी गश्ती जो है उसमें भी फोर्स मजिस्ट्रेट बोट के माध्यम से SDRF के साथ रहेंगे, वो लोग भी देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था हम लोग बहुत ही अच्छी रखेंगे, टाइट रखेंगे ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। मेडिकल टीम भी रहेगी? मेडिकल टीम भी बिल्कुल रहेगी, हर साल रहती है। हमारा मेडिकल नियंत्रण कक्ष भी बनता है सभी घाटों पर, वो भी रहेगा और सभी लोग मुस्तैद रहेंगे। बस पानी घटने का थोड़ा सा इंतजार हम लोग, हम लोगों का फोर्स रहेगा, नाव पे फोर्स रहेगा। SDRF और NDRF की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक घाट पे रहेगी। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इस पर चुनौती है वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्योंकि जो JP गंगा पथ बना है ये एक नया संरचना है, नया स्ट्रक्चर है और बहुत से लोग हैं जो सिटी साइड से भी हैं जो पहले शायद घाटों पर नहीं आते थे, इस पर ही आएंगे। इस पर ही हम लोग जो आकलन कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग गंगा घाटों की तरफ आएंगे, लेकिन अभी उतना ज़्यादा क्षेत्रफल है नहीं तो उसी को लेकर ट्रैफिक, लेकिन हम लोग डेडिकेटेड ट्रैफिक और पार्किंग प्लेसेस हम लोग दे रहे हैं और मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि जो छठवर्तियों का जो पैदल रास्ता है वो सभी जहाँ जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट अतिक्रमण है उसको हम लोग 3 दिनों में हटवा देंगे ताकि सुगमता से वो लोग घाटों तक आ सकें। सामने से अशोक राजपथ से 83, ये अंदर ही अंदर जो सर वहाँ से यहाँ आ गए ये 88 तक है सर। अच्छा, बीच में क्या है वो पानी वाली है? पानी है सर, वो सर सब ड्राई हो जाएगा, नहीं होगा 83 से 88 में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। नहीं होगा 83 से 88 नहीं जुड़ेगा, देखे 83 से 88 नहीं जुड़ेगा, 88 सीधे निकल के उस पार से जुड़ जाता है, उस पार से जुड़ेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।